है गाइस, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार रहने वाली है क्योंकि हम लाए हैं टॉप 4 बेस्ट अराउंडर फोन अंडर 8000। सो गाइस, आपको भी 8000 के बजट में ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको तगड़े लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाए, साथ में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाए, साथ में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाए, साथ में आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाए। सो गाइस, आप एकदम सही वीडियो पर आए हो क्योंकि इन फोन में ये सब फीचर रहेंगे, साथ ही साथ हमारी लिस्ट में कुछ 5G फोन भी रहेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अपनी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले फोन की, जो है Redmi 13C। तो गाइस, आपको भी कोई Redmi की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हैं। तो चलो गाइस, बात करते हैं हम इस फोन के फीचर्स की। स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से, जिसमें आपको बैक साइड प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी और शानदार लेवल का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इस फोन का वेट 192 ग्राम रहेगा, तो लुक डिजाइन के मामले में ये फोन तगड़े लेवल का रहेगा। तो गाइस, बात करते हैं अब इस फोन की डिस्प्ले की, जो मिली थी 6.74 की IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 450 नीट की हाई पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन तगड़े लेवल का रहेगा, साथ में आपको फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो गाइस, बात करते हैं अब इस फोन के प्रोसेसर की, जो मिली थी MediaTek की तरफ से Helio G85, जो काफी तगड़े लेवल का प्रोसेसर रहेगा इस प्राइस में, जिसमें आपको 2.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर मिल जाते हैं। तो गेमिंग के लिए आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हो। तो चलो गाइस, बात करते हैं इस फोन की कैमरास की, जिसमें आपको ट्रिपल सेटअप मिल जाता है, 50 MP का मेन कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा और 0.8 MP का लेंस देखने को मिल जाता है, और फ्रंट साइड आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो इस फोन से आप 1080p 30fps बैक साइड और फ्रंट साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस फोन के कैमरास आपको काफी शानदार लेवल के देखने को मिल जाते हैं। तो चलो गाइस, बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है 18W का फास्ट चार्जर, जो आपके फोन का आराम से 1 घंटे में चार्ज कर देगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर्स, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, USB टाइप 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में ये फोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है। तो गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्राइस, जो आपको 4GB रैम प्लस 128GB 7700 में मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं अपने लिस्ट के थर्ड नंबर वाले फोन की, जो मिल जाता है पोको की तरफ से, पोको C65। तो गाइस, आपको भी कोई पोको का डिवाइस चाहिए तो आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने इस फोन के फीचर्स की। स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से, जिसमें आपको फ्रंट की साइड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, साथ में आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी, 192 ग्राम का वेट रहेगा। तो डिजाइन वाइज आपको ये फोन तगड़े लेवल का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं अब इस फोन की डिस्प्ले की, जो मिल जाती है 6.74 की IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 600 नीट की हाई पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन नेक्स्ट लेवल रहेगा, आपको कंटेंट वाचिंग में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं अब इस फोन के प्रोसेसर की, जो मुझे था MediaTek की तरफ से Helio G85, जो काफी अच्छा प्रोसेसर रहेगा गेमिंग के लिए। इस फोन के अंदर तो स्कोर आपको 2.5 लाख के आसपास मिल जाते हैं, तो आपको इस गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए तो आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, जिसमें आपको 50 MP मेन कैमरा मिल जाता है, 2 MP मैक्रो कैमरा मिल जाता है, 0.8 का लेंस मिल जाता है, साथ में आपको फ्रंट साइड 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इस फोन से आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं अब इस फोन की बैटरी की, जो मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी और 80W का फास्ट चार्जर, जो आपके फोन को आराम से 1.5 घंटे में चार्ज कर देगा। तो बात करते हैं अब इस फोन के अदर फीचर्स की, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको USB टाइप 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में ये फोन एंड्रॉइड 13 पे रन हुआ देखने को मिल जाता है। तो गाइस, मुझे तो इस फोन के फीचर्स काफी अच्छे लगे। तो गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो आपको 6GB रैम प्लस 128GB 8000 में मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा। तो गाइस, बात करते हैं अपने लिस्ट के नंबर 2 फोन की, जो मिलता है मोटोरोला की तरफ से Moto G 24 Power। तो गाइस, इस फोन में आपको काफी तगड़े लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपको मोटोरोला की तरफ से कोई डिवाइस चाहिए तो आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं अब इस फोन के फीचर्स की। स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से, जिसमें आपको फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, साथ में आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी, 197 ग्राम का वेट रहेगा। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये तगड़े लेवल का रहेगा और डिजाइन वाइज भी आपको ये फोन डिसेंट लेवल का लगेगा। तो बात करते हैं अब इस फोन की डिस्प्ले की, जो मिली थी 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 537 नीट की हाई पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन अच्छे लेवल का रहेगा। तो गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, जो मुझे MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G85। तो ये काफी तगड़े लेवल का प्रोसेसर रहेगा, 2.5 लाख के आसपास आपको अंतुतु स्कोर मिल जाएगा, आपको गेमिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आराम में आप 40fps में गेमिंग कर सकते हो। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, जिसमें आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल जाता है, इसके साथ आपको 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाता है और फ्रंट साइड आपको 16 MP की सेल्फी मिल जाती है। इस फोन से आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको इस फोन के कैमरास काफी तगड़े लेवल के
देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट में। तो बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो मिलते हैं 6000 mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है 30W का फास्ट चार्जर जो आपके फोन को आराम से 1.5 घंटे में चार्ज कर देगा। मुझे इस फोन की काफी अच्छी बात लगी क्योंकि इस फोन में आपको काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो गाइस बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर की, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में आपको यूएसबी टाइप सी 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में ये फोन एंड्रॉइड 14 पे रन हुआ देखने को मिल जाएगा, जो मुझे काफी अच्छी बात लगी। तो गाइस बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो आपको 4GB रैम प्लस 128GB 8000 में मिल जाएगा। तो अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हो। तो गाइज अपनी लिस्ट के नंबर वन फोन की ओर बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो गाइज बात करते हैं अपनी लिस्ट के नंबर वन फोन की, जो मुझे था लावा की तरफ से लावा ब्लेज 5G। तो गाइज इस फोन में आपको काफी तगड़े लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएगगा, ये हमारी लिस्ट का बेस्ट ऑलराउंडर फोन रहेगा अंडर 8000। तो चलो गाइज बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की, स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से, जिसमें आपको फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बैक साइड है आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको 207 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। डिजाइन के मामले में ये फोन तगड़े लेवल का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, जो मुझे 6.52 की IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट। तो नो डाउट आपको इस फोन की डिस्प्ले काफी अच्छे लेवल की देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, जो मुझे था MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 700, जो काफी अच्छा प्रोसेसर रहेगा, जो 7 नैनोमीटर पे बेस है, और साथ ही साथ आपको 3.5 लाख तक आपको अंततः स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको एक गेमिंग डिवाइस चाहिए तो आप इस फोन को जूस बाय कर सकते हो, क्योंकि ये अंडर 8000 में बेस्ट गेमिंग डिवाइस रहेगा। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, ये फोन आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, 50MP का मेन कैमरा, इसके साथ आपको 2MP का मैक्रो कैमरा और 0.3MP का लेंस देखने को मिल जाता है, और फ्रंट की साइड आपको 8MP की सेल्फी मिल जाती है। इस फोन से आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मुझे फोन की कैमरा काफी अच्छे देखने को मिले। तो बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो मिलते हैं 5000 mAh की बैटरी, इसके साथ आपको मिल जाता है 10W का फास्ट चार्जर, जो आपके फोन को आराम से 1.5 घंटे में चार्ज कर देगा। तो बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर्स की, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.2/11 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको यूएसबी टाइप सी 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। ये फोन आपको एंड्रॉइड 12 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मुझे तो ये फोन काफी अच्छा लगा। तो गाइस बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो आपको 4GB रैम प्लस 128GB 8800 में देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन को बैंक ऑफर लगा के अंडर 8000 जूट परचेज कर सकते हो। तो मुझे तो ये फोन काफी अच्छा लगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा अंडर 8000। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। तो गाइस ये थे 8000 के बजट में आने वाले बेस्ट ऑलराउंडर फोन, आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। तो गाइस आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइस थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए।